नेक्स्ट टॉपिक है आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट भी। इससे पहले जिस तरह से मीन वैल्यू में हम लोगों ने चार्ज के बारे में डिस्कस किया था भाई, इसमें हम हीट के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके बारे में हीट हम बताएंगे कि जो हीट डीसी दे रही थी क्या वो एसी भी दे रहा है, यस और नो? व्हाट इज द फार्मूला ऑफ हीट? आई स्क्वायर आर टी। सिंपल इस फार्मूला को यूज करेंगे हम लोग, इट इज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग भी। यही था। अब चेक करना भाई, क्योंकि एसी को पता आपको एसी डायरेक्शन चेंज करेगा भाई, मेरे कुछ ना कुछ टर्म का इंटीग्रेशन भी करना पड़ेगा, यस और नो? अब प्रॉब्लम वो ये है कि किस रेंज में इंटीग्रेशन किया जाए भी, लिमिट क्या रखें। पहले मैं लिमिट मैंने लिखी थी टी बाई टू भी, मैं बोला था कि मेन वैल्यू फुल साइकिल के लिए जीरो होता है, यस और नो? तो हाफ के लिए निकाल लेते हैं, वैसे जीरो तो होना ही था उसका, लेकिन चेक तो कर ले हाफ के लिए कितना आंसर आएगा। उसके बाद नेक्स्ट हाफ में सेम आंसर आना है, टोटल जोड़ोगे तो आंसर जीरो जाना है, यस और नो? अब क्वेश्चन है क्या हीट का रेंज क्या रखें बताओ, टी बाई टू या टी? देखिए करंट ऐसे जाए कि ऐसे जाए, दोनों में हीट प्रोड्यूस करता है। अब ऐसा नहीं कि यहाँ पे करंट गया बॉडी गर्म होगी वापस आया तो ठंडी होगी, नेट जीरो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला भाई, यस और नो? यहाँ से भी हीट करेगा और यहाँ से भी हीट करेगा ये बॉडी को, बॉडी गर्म ही होनी है अभी। हीट का मेन प्रॉब्लम क्या होता है? रेजिस्टेंस भी, यस और नो? करंट बढ़ा के भी कर सकते हैं लेकिन लिमिट तक बढ़ाएंगे करंट को, टाइम बढ़ा के कर सकते हैं लिमिट तक बढ़ाएंगे टाइम को, बच गया कौन सा रफ? रेजिस्टेंस। डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो हीट वैसे बढ़ जाती है, रेजिस्टेंस तो फिक्स कर देंगे हम लोग। अब करंट को फ्लो करवाएंगे, हाफ साइकिल में करंट हीट प्रोड्यूस करेगा, नेक्स्ट हाफ में भी हीट प्रोड्यूस करेगा भाई, तुम्हारी रेंज क्या रहेगी? फुल डाल देते हैं, जीरो से टी तक मेरा क्या करेगा? हीट प्रोड्यूस होगा भाई, यस और नो? सेम टॉपिक भी क्लास, अगर आपने पहले ढंग से किया है तो ये भी हो जाएगा अभी। लिखिए आर एम एस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, RMS वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट फॉर फुल साइकिल भी, हाफ के लिए निकलेंगे। दोबारा लिखिए RMS वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट फॉर टाइम टी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम टी कैपिटल टी या फुल साइकिल चॉइस आपका भी कर लोगे। इज डिफाइंड एज द वैल्यू ऑफ स्टडी करंट। स्टडी करंट क्या था? डीसी को बोला था मैंने, डीसी होता है, होता नहीं है ना, आपको पता है इस बात का। द वैल्यू ऑफ ए स्टडी करंट विच वुड जनरेट द सेम अमाउंट ऑफ हीट, विच वुड जनरेट द सेम अमाउंट ऑफ हीट इन टाइम टी एज जनरेटेड बाई। दोबारा था, इन्होंने क्या लिखवा था एक बार? इट इज डिफाइंड एज द वैल्यू ऑफ स्टडी करंट व्हिच वुड जनरेट द सेम अमाउंट ऑफ हीट इन टाइम टी, इज इक्वल टू लिखिए, इज इक्वल टू या एज जनरेटेड लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, एज जनरेटेड बाई अल्टरनेटिंग करंट इन सेम टाइम इन सेम सर्किट। समझ में आ रहा है? यस सर नो? सेम है भाई एज लाइक चार्ज भी। अब हीट की डिस्कस कर रहे हैं सर, अब यहाँ पे हम लोग कर लोगे yes, तो लिखिए अल्टरनेटिंग करंट इज, आई का वैल्यू कितना था भाई? आई नॉट साइन ओमेगा टी, दिस इज द अल्टरनेटिंग करंट भी। मैं मान लेता हूँ लेट डी एच क्या है, इज द स्मॉल हीट इन स्मॉल टाइम, कितना यूज कर लेते हैं डी टी, बाद में करेंगे पूरे के लिए, तो इन स्मॉल टाइम डी टी, तो डी एच इज इक्वल टू क्या ले सकता हूँ, आई स्क्वेयर आर डी टी, क्योंकि यहाँ पे हैच वेरिएबल टाइम के हिसाब से कर लोगे। मेरे तो पूरा हीट निकालना अभी, अब की बार क्या करना है? इंटीग्रेशन। पहली बार क्या किया था? इंटीग्रेशन नहीं किया था। पुटिंग द वैल्यू ऑफ आई भी, आई क्या है लिख सकता हूँ, आई नॉट स्क्वेयर साइन स्क्वेयर ओमेगा टी आर डी टी, यस सर ना?
आई का वैल्यू स्क्वायर के साथ में कर पाओगे? पूरे के लिए करें तो भाई टोटल हीट कितना होगा? इंटीग्रेशन कर दें डीएच इंटीग्रेशन आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी आर डी टी। लिमिट कहां से रखे हैं भाई? जीरो से टी। फुल साइकिल के लिए काम कर रहे हैं हम लोग, फुल साइकिल हीट प्रोड्यूस करेगा। यस सर नो? कांस्टेंट वैल्यू को बाहर निकाल लीजिए इज इक्वल टू कितना आएगा? आई नॉट स्क्वायर पीक वैल्यू है भाई, रेजिस्टेंस कांस्टेंट है। यस सर नो? वी आर यूजिंग सेम सर्किट्स भी। उसके बाद जीरो से टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी। यस सर, सुनिए भाई साइन स्क्वायर का होता ही नहीं है, साइन स्क्वायर का होता ही नहीं है भाई, ठीक है? लेकिन इंटीग्रेशन तो करना पड़ेगा भाई। यस सर नो? तो एक फार्मूला है साइन स्क्वायर निकालने का भाई, ये होता है साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है 1 - cos 2θ/2। यस सर नो? तो आपको साइन स्क्वायर का नहीं निकाल सकते आप इंटीग्रेशन, तो इसके लिए फार्मूले कन्वर्ट करना पड़ेगा इस फार्मूले में इसको। ये रब करते हैं भाई इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर आर जीरो से टी 1 - cos 2ωt/2dt। जिसको नहीं पता यहां पे लिखिए साइड में भी, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 - cos 2θ/2। तो फार्मूला होता अभी ओके इस टर्म में किया मैंने इसको, टू को बाहर निकाल लूं, इंडिविजुअल करना आता है रब कर दे। एच इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर आर बाई टू, मैं लिख सकता हूं देखिए इंटीग्रेशन 0 to t 1dt - 0 to t cos 2ωt/dt। यस सर नो? इंडिविजुअल का भी इंडिविजुअल अलग होता होगा। इसका कितना आएगा अभी? 1dt का कितना आएगा? टी। एच इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर आर बाई टू, इसका हुआ टी लिमिट 0 to t। ऊपर लिखूं? इसका कितना आएगा? कोस का माइनस की प्लस पक्का साइन 2ωt/2ω 0 to t सही लिखा है? यस भी लिमिट पुट करनी आती है। एच इज इक्वल टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कीजिएगा आई नॉट स्क्वायर आर बाई टू, ये ले सकता हूँ टी माइनस जीरो अपर लिमिट माइनस ए लोअर लिमिट, इसका भाई -1/2ω, इसका आएगा cos 2ωt - sorry not cos sin 2ωt - sin 0। जीरो इंटू समथिंग करोगे तो आंसर क्या आएगा? जीरो, एंगल जीरो। साइन जीरो कितना होता है? 1। साइन जीरो जीरो। ओमेगा टी क्या होगा भाई? 2π। 2π into 2 4π। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 4π? अब आधे को तो ये पता नहीं होगा, देखिए भाई ये जीरो है साइन का तो यहाँ पे जीरो होगा, ये 1 है तो यहाँ पे कितना होगा? -1। यस और नो? 1π 2π 3π 4π कितना आंसर भाई? 0। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये भी 0, ये भी 0। लिखना पड़ेगा cos 4π। लिखूं? ये क्या होगा? तो ऊपर भाई ओमेगा टी 2π होता भाई, लिख दूं ठीक है। ओमेगा टी 2π, 2π into 2 कितना हो गया? 4π। साइन 4π 0, साइन 0 0 माने 0 पक्का। तो h बराबर है
आई नॉट स्क्वेयर आर टी, टी आ गया बाई टू, यस और नो? इट इज द, तो कुछ निकालना क्या था हमें, आर एम एस वैल्यू निकालना है अभी, यस और नो? मानना पड़ेगा अभी. लेट आई वी, बुक में सिंबलिक फॉर्म वी यूज किया गया है इसके लिए. इट इज द आर एम एस वैल्यू ऑफ ए सी वी, सही है, आर एम एस वैल्यू ऑफ ए सी. अगर मैं आर एम एस वैल्यू को यूज कर रहा हूँ तो कितना हीट प्रोड्यूस करेगा फार्मूले के अकॉर्डिंग, पहला फार्मूला डी एच के अकॉर्डिंग, भाई कितना आंसर आएगा? एच पूरे के लिए निकाल लेते हैं, इज इक्वल टू आई वी स्क्वेयर आर टी, बाकी तो सेम है, टाइम पूरा लेना पड़ेगा. पहला फार्मूला क्या था? डी एच इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर इंटू डी टी, वो करंट पता नहीं कौन सा था भाई. अगर उसकी जगह मैं आर एम एस वैल्यू यूज कर रहा हूँ तो इट इज आई वी, तो डी एच की जगह फुल कर लेते हैं, एच इज इक्वल टू आई वी स्क्वेयर आर डी टी. और मैंने लिखवाया डेफिनेशन के अंदर दे प्रोड्यूस द सेम अमाउंट ऑफ हीट भी, वैल्यू तो निकालनी पड़ेगी आई वी की. फर्स्ट और सेकेंड में लेफ्ट साइड बराबर हैं तो लेफ्ट राइट भी कर दो बराबर, तो कितना आएगा? आई वी स्क्वेयर आर टी इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वेयर आर टी बाई टू, सही लिखा है, आर टी से आर टी कर दूं, तो आई वी इज इक्वल टू लिख सकता हूं आई नॉट अंडर रूट टू, अरे आई वी स्क्वेयर है इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वेयर बाई टू है, दोनों तरफ अंडर रूट करो, आई नॉट आई वी आई नॉट अंडर रूट टू, यस आर नो? दिस इज द आर एम एस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट भी, दिस इज द आर एम एस वैल्यू ऑफ ए अल्टरनेटिंग करंट. वट इज द वैल्यू ऑफ अंडर रूट टू? 1.414 भाई. इसको सोल्व करोगे ना तो आई वी का वैल्यू आएगा भाई 0.707 आई नोट भी. परसेंटेज फॉर्म में निकालूं तो 70.7% ऑफ किसका भाई? इट्स पीक वैल्यू, सही है, 70.7% ऑफ इट्स पीक वैल्यू, गुणा में सौ कर दो, कर लोगे? इस बात का मतलब क्या है? आर एम एस वैल्यू क्या होती है? उसकी पीक वैल्यू का 70.7% भी. अब क्वेश्चन ये पूछेगा आपसे एग्जामिनर, एक सिंपल क्वेश्चन आता है आपको पूछा जाएगा कि एक हमने सोर्स जोड़ दिया अल्टरनेटिंग करंट का, इट्स 5 एम्पीयर करंट्स भी, व्हाट इज इट्स पीक वैल्यू भी, तो 5 एम्पीयर करंट पक्की बात है, पीक वैल्यू नहीं है अभी, और कौन सी वैल्यू है उसकी? आर एम एस वैल्यू है. तो क्वेश्चन में जो भी कुछ भी दिया जाए करंट के बारे में, वोल्टेज के बारे में भी, ओम ऐसा किस में होगा? आर एम एस वैल्यू में होगा, ठीक है. अगर ये 10 एम्पीयर करंट आ रहा है आपके सर्किट के अंदर, एक्चुअल में कितना आ रहा है अभी, कैसे निकलोगे? ये 10% आ रहा है, आई वी दे रहा है 10% आपको, तो व्हाट इज द पीक वैल्यू ऑफ करंट भी? मैं ये बोलता हूं बैटरी जोड़ दी मैंने 10 एम्पीयर की बैटरी जोड़ रखी है सर्किट में, 10 एम्पीयर करंट आ रहा है, ओके. फिर मैं बोलता हूं मैंने 10 एम्पीयर सोर्स जोड़ रखा है ऑफ एसी भी, दोनों डिफरेंस क्या है? 10 एम्पीयर करंट मतलब एक्चुअल में कितना जोड़ रखा है, इसका पीक कुछ और है भाई, यस सर नो? और ये इसका मैक्सिमम वैल्यू है अभी, डीसी का ये क्या है? इसका मैक्सिमम वैल्यू. तो डेंजरस कौन सा है, एसी की डीसी? एसी इज मोर डेंजरस देन डीसी, समझ में आ रहा है? अगर आपको लगता है कि 220 वोल्ट आ रहा है, अभी वो करेंगे वोल्टेज का काम करते हैं अभी, 220 वोल्ट आ रहा है एसी का, और 220 वोल्ट आ रहा है बैटरी से, 220 वोल्ट नहीं है भाई, एक्चुअल में ज़्यादा आ रहा है, और पीक कुछ और है उसका, उसका 70, इसका भी आंसर यही आएगा नेक्स्ट का भी, 70% करोगे ना, 70.7%, तब जाके कितना बनेगा वो 220 बनेगा उसका, तो पीक तो कुछ और है. तो बैटरी का करंट 220 वोल्ट वाला और एसी का 220 वोल्ट वाला डेंजरस कौन है? एसी का 220 वोल्ट वाला भी. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है? नेक्स्ट टॉपिक का नाम है रूट मीन स्क्वेयर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ. रूट मीन स्क्वेयर वैल्यू ऑफ ए
अल्टरनेटिंग ईएमएफ, सेम टॉपिक, अगर अपने को कोई एक भी ढंग से किया है तो सारे आ जाएंगे अभी। इस मिनट का खासियत यही है, नेक्स्ट चार टॉपिक एक जैसे आएंगे, इसके बाद दो टॉपिक आएंगे, ठीक है, उसके बाद दो टॉपिक एक जैसे आएंगे, यूनिट पूरी हो जाएगी आपकी भी। बस छह टॉपिक बचे हुए, कर लोगे? रब कर, इसको हो गया इतना? तो डिफाइन करो भाई, कर सकते हो डिफाइन? व्हाट इज द आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ? ये फिर आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ लिखिए, आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ फॉर द फुल साइकिल, फुल साइकिल इज द अमाउंट ऑफ, क्या लिखवा था मैंने, इज द वैल्यू ऑफ स्टडी करंट, सॉरी इज द वैल्यू ऑफ स्टडी ईएमएफ, इट इज द वैल्यू ऑफ स्टडी ईएमएफ विच वुड जनरेट द सेम अमाउंट ऑफ हीट, विच वुड जनरेट द सेम अमाउंट ऑफ हीट एज जनरेटेड बाई अल्टरनेटिंग ईएमएफ, एज जनरेटेड बाई अल्टरनेटिंग ईएमएफ इन द सेम टाइम इन द सेम सर्किट। ओके, सेम अभी। तो व्हाट इज द फार्मूला ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ, क्या होता है? लिखो अल्टरनेटिंग ईएमएफ इज इक्वल टू क्या था भाई? ई नॉट साइन ओमेगा टी, यस सर ना? ई नॉट ए साइन ओमेगा टी, हीट अभी भी करनी पड़ेगी जनरेट, तो डीएच हीट मान लेते हैं, डीएच इज द स्मॉल हीट इन डीटी टाइम, यस सर ना? स्मॉल टाइम यूज कर रहे हैं, डी टी भी सेम, बिल्कुल सेम प्रोसीजर भी। तो डी एच का वैल्यू कितना भी, ये तो करंट की टर्म में आएगा, आई स्क्वेयर आर डी टी, आई स्क्वेयर आर ए डी टी, हमको वोल्टेज दे रखी है, कोई दिक्कत नहीं हमको इस चीज की। आई की जगह पे क्या ले सकता हूँ, ई वाई आर लिख सकता हूँ अकॉर्डिंग टू अम्जला भी, यस सर ना? वी वाई आर है, पोटेंशियल ही तो होता है ई, कितना होगा पुटिंग द, यहाँ पे लिखूँ तो ई स्क्वेयर आर, नीचे आर स्क्वेयर हो गया, एक आर ये रहा डी टी, आर से आर काट दूँ, डी एच इज इक्वल टू ई स्क्वेयर बाई आर डी टी भी, सही लिखा है ई स्क्वेयर आर, इसका यूज़ कर लेंगे आपकी बार, जब मैं मानूंगा ना कि इट इज अल्टरनेटिंग ई एम एफ, तो इस फार्मूला का यूज़ कर लें, सही है कि नहीं है? yes, तो पुटिंग द वैल्यूज भी, डी एच कितना भी, ई कितना भाई, कितना होगा ई नॉट स्क्वेयर साइन स्क्वेयर ओमेगा टी डिवाइड बाई आर इंटू डी टी, सही है? yes, पूरे के लिए करो इंटीग्रेशन, टोटल हीट निकालते हैं अभी, टोटल हीट कितना होगा, टोटल हीट इज इक्वल टू एच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी एच, इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करें भाई, फुल साइकिल के लिए जीरो से टी ई नॉट स्क्वेयर साइन स्क्वेयर ओमेगा टी बाई आर, यस सर नो? कर पाओगे इंटीग्रेशन भाई? कॉन्स्टेंट वैल्यू को बाहर निकालो जल्दी से, कितना आएगा? E नॉट स्क्वेयर पीक वैल्यू है, रेजिस्टेंस आर कॉन्स्टेंट है, जीरो से टी क्या बना है, साइन स्क्वेयर ओमेगा टी डी टी, सही है भाई? E नॉट स्क्वेयर आर जीरो से टी कितना भाई, वन माइनस कॉस टू ओमेगा टी बाई टू डी टी,
इसको कीजिए H इज इक्वल टू E नॉट स्क्वायर R, तो ले लूं बार भाई yes, बस अभी मत देखो कॉपी को, तुम्हारे पास घर पे बहुत सा टाइम होता है कॉपी देखने के लिए, अभी वहां पर तुम देखते नहीं हो। यहां से करो भाई, जीरो से T वन डी टी माइनस जीरो से T कॉस टू ओमेगा T डी टी, ठीक है yes, ये जीरो होता है अभी, लिख दूं डायरेक्ट भाई। वाले कितने बच्चे हैं, उनको समझ में आ रहा क्या हो रहा है yes, जीरो से T, क्योंकि मेरे को पता लगा मैथ थोड़ा तो आ नहीं रहा समझ में, मैं कुछ होने को आ रहा हूँ। देखो भाई क्लास, ये जो मैं लिख रहा हूँ ना, ये आपको एग्जाम में लिखना होता है, आप एग्जाम में लिखोगे ना ये सोच के लिखिए, एग्जाम में कुछ नहीं आता है, उसको हर बात बतानी पड़ेगी आपको, ये शॉर्टकट लिख रहा हूँ मैं आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तो मैं ये भी लिख रहा हूँ कि मैंने किसको जीरो मानना है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा yes, आपको पेपर ऐसे लिखना है कि आपको हर बात आनी है उसको एकदम, मेरे को ये ऐसा होता है ये ऐसा होता है भाई, तब नंबर आएंगे। अपन डायरेक्ट लिख देना, मैं जीरो लिख दिया तो बताए कटा मार देगा उसने पॉइंट के ऊपर। कितना होगा भाई, टी सही लिख दिया yes, एच बराबर अभी E नॉट स्क्वायर बाई टू आर इन टू टी वी, इक्वेशन फर्स्ट में। हो गया yes, अब मानना पड़ेगा, हमें तो आर में से निकालना है yes, रब कर दें, हो गया ना इसको आई वी, ये क्या भाई RMS वैल्यू ऑफ ACEM लिख दूं, ACEMF कर लोगे, मैंने बोला था वो AC DC असेंबली फॉर्म भी है, ACEMF तो उसके हिसाब से अगर मैं लिखूं H को कैसे लिखूंगा अभी, तो मैंने पहले बोला था ना आपको EV square by R T इक्वेशन सेकेंड, चेक कर लो यस और नो, दोनों की लेफ्ट बराबर है, राइट बराबर कर दें, लिख दो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड भी, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, तो कितना होगा, बातें नहीं सर, क्या बोले कुछ सोचो मेरे बारे में, तुम क्लास बातें मार रही थी भी, सोचे जाना थे सही बात है, कट गया आर से आर काट दो, कितना आएगा भाई, आज हमारी बातें लीक होएंगी बाहर जाके ना भाई, अंडर रूट टू कर दूं, ये स्क्वायर आएगा, स्क्वायर आएगा भाई यस सर ना, सेम आंसर है ईवी इन टर्म ऑफ 0.707 ई नोट वी, कर लोगे या पर सिंपल है भाई, ई वी इज इक्वल टू किसके भाई 70.7% ऑफ ई नोट वी, 70.7% ऑफ ई नोट, कर पाओगे, थकते नहीं गए तुम लोग, थक तो नहीं गए हो गए अभी। नेक्स्ट टॉपिक का नाम है एसी सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस ओनली भी, नेक्स्ट टॉपिक इज एसी सर्किट कंटेन रेजिस्टेंस ओनली, अगर किसी एसी सर्किट के पास सिर्फ रेजिस्टेंस हो तो क्या होगा, रेजिस्टेंस तो पहले भी था यस और नो, ये रेजिस्टेंस का सिंबल है अभी, ये जोड़ा गया विदेशी सोर्स, रेजिस्टेंस आर भी, हम ये चेक करना चाहते हैं कि रेजिस्टेंस का क्या रोल है एसी और डीसी के लिए भी, अभी हम टॉपिक की शुरुआत करेंगे ईएमएफ से भी, ख़त्म करेंगे उसको करंट के ऊपर, अब
हम टॉपिक की शुरुआत कहाँ से करेंगे? ईएमएफ से. खत्म किस पे करना है उसको टॉपिक को? ईएमएफ को चेंज कराया कि कहाँ पे डाक लाना है? करंट पे लेके आना है. फिर हमें चेक करना है कि ईएमएफ और करंट चलती कैसे हैं डिवाइसेस के अंदर. कमाल की बात, अब तो मैंने देखा नहीं है अभी. मैं बोला कि पोटेंशियल डिफरेंस से करंट फ्लो करता है अभी, तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे फ्लो करता है? पोटेंशियल डिफरेंस बना कैसे उस पॉइंट के ऊपर आके? क्वेश्चन ये है, करंट से पोटेंशियल बना कि पोटेंशियल से करंट बना? वी से आई बने कि आई से वी बनी? वी से आई बनी. पोटेंशियल डिफरेंस है तो करंट है भाई, सीधी सी बात है. यानी पोटेंशियल डिफरेंस से ही करंट बनाना है मेरे को. तो पक्की शुरुआत कहाँ से करनी है मेरे को? पोटेंशियल से ही करनी है. कर लोगे? तरीका बेस्ट क्या है? आप ईएमएफ को लेकर चलो, करंट को प्रूव कर दो भाई. यस और नो? लिख लीजिए भाई. अल्टरनेटिंग ईएमएफ इज, अल्टरनेटिंग ईएमएफ इज इक्वल टू क्या होता है? ई नॉट साइन ओमेगा टी. यस और नो? ई नॉट ए साइन ओमेगा टी. सिंपल है भाई. यस और नो? आर क्या है? रेजिस्टेंस है. आर क्या है? रेजिस्टेंस. सिंपल लिख दिया बिल्कुल ही, छोड़ो. हो गया. तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट क्लास? करंट क्या होगा? एसी करंट इज आई, लिख सकता हूं ई वाई आर. ओम जला के हिसाब से ई वाई आर. पुटिंग द वैल्यूज भी, आई इज इक्वल ई नॉट साइन ओमेगा टी बाई आर. सही है कि नहीं है? ओके. कोई डिफरेंस लग रहा है आपको इस चीज़ में? वही चीज़ें बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं. ई नोट क्या है? पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ बाय रेजिस्टेंस. इट गिव पीक वैल्यू ऑफ करंट वे. यस और नो? तो व्हाट इज द आई? आई नोट साइन ओमेगा टी. प्रूव हो गया मेरा करंट वे. ओके, वेयर आई नोट इज, ये पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ बाय आर है. पीक वैल्यू ऑफ करंट, पीक से पीक ही आंसर आएगा भाई. टॉपिक पूरा हो गया? अगर इसको मैं ग्राफिकल फॉर्म में लिखूं तो कैसे लिखूं भाई? दो ग्राफ बनेंगे क्लास, यहाँ पर दो डायग्राम बनेंगे इसके अलावा भी. एक होता है वेव डायग्राम, एक होता है फेजर डायग्राम. भी बताऊंगा अभी क्या होता है. एक वेव डायग्राम, एक क्या होता है फेजर डायग्राम. अभी लिखा ये वेव डायग्राम भी, वेव डायग्राम. टॉपिक पूरा नहीं हुआ अभी, सो तो ही हुआ टॉपिक है. तो वेव डायग्राम क्या होता है? आपको पता है कि वेव कैसे बनाते हैं हम करंट को, ईएमएफ को? यस और नो? स्टार्टिंग किसे करनी है? ई से. तो ई का ग्राफ बनाओगे, ये बनेगा. यही तो है वेव डायग्राम, और क्या है? यस और नो? ये वैल्यू क्या भाई? इट इज ई नोट. ये वैल्यू क्या है? पीक वैल्यू ई नोट. में कर लोगे? दोनों की ओमेगा टी सेम है, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है, दोनों के टाइम पीरियड सेम है. ये बात सही है कि नहीं है? ओमेगा ही होता सब कुछ. ओमेगा होता 2π/T कर दूं या 2π μ कर दूं, बराबर होंगे. कर लोगे? तो आई का ग्राफ कैसे बनेगा? स्टार्टिंग यहीं से होनी है. बिल्कुल सेम भी, फ्रीक्वेंसी सेम है, टाइम पीरियड सेम है, तो बिल्कुल उसी पॉइंट से गुजरेगा ग्राफ. फर्क है भाई, ये आई नोट होगा. क्यों? आपको पता है ईएमएफ से करंट बना है, न कि करंट से ईएमएफ. तो ये आई नोट की वैल्यू छोटी होगी ई नोट से, पक्की बात है. वैल्यू के टर्म में तो यदि ये बच्चे गलती करते हैं, ऊपर वाले को आई नोट बना देते हैं, नीचे वाले को ई नोट, गसी टाइम कटा मार देते हैं. मरवी आपको पोटेंशियल से करंट बना है ना क्लास, याद रखिए इस बात को, तो छोटा ही मिलेगा उससे वो. यस और नो? इन टर्म ऑफ वैल्यू, मैं ये गलत बोलना गलत है. दोनों टर्म अलग हैं भाई, पोटेंशियल अलग है, करंट अलग चीज़ है. फिर भी वैसे बोल रहा हूँ इस चीज़ को मैं कि मेरा ईएमएफ बड़ा है करंट से भी, क्योंकि उसी से बना है. ये मैक्सिमम बराबर हो सकता है कोई केस हो तो, ऐसा जब रेजिस्टेंस ड्रॉप ही ना हो. मैं ड्रॉप तो करवा दिया. यस और नो? कर लोगे? ये तो हो गया इसका वेव डायग्राम. मैनी प्रॉब्लम भाई क्लास? अब एक डायग्राम होता है फेजर डायग्राम भाई, लिखिए फेजर डायग्राम. पी है
फेजर डायग्राम जो टॉपिक दिया गया था ना भाई, ये इसलिए दिया गया था कि जो चीज़ वेक्टर नहीं है उसको वेक्टर बनाएं किसी तरीके से भी, क्योंकि हमको डायरेक्शन चाहिए होती है हर पॉइंट के ऊपर। किसी भी नॉन वेक्टर क्वांटिटी को वेक्टर बनाने का तरीका था भी, क्योंकि आप जब वेक्टर आपके प्लस टू मैथ में आता है वैक्टर्स, तो उसमें कहीं ना कहीं जरूर फेजर आएगा भाई, फेजर जरूर आएगा कहीं ना कहीं। आया है कि नहीं आया अभी तक? नहीं आया। आपके वेक्टर में कितना आता है क्रॉस वगैरह आते हैं? दो के क्रॉस, तीन के क्रॉस, तीन के आते हैं, ए क्रॉस, बी क्रॉस, सी। डिवीजन आता है? अभी शुरू नहीं हुआ है। तो उसमें कहीं ना कहीं एक वर्ड जरूर आएगा, कहीं ना कहीं फेजर क्या होता है, क्योंकि बताएगा आपको कि आपने ए माना, ए वेक्टर को माना क्यों लिया भाई, ए वेक्टर है, ए क्या है, ए क्या है, क्या डायरेक्शन है की, नथिंग भाई। मान रखा है ए इज द वेक्टर क्रॉस बी इज द वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, ये सर नो, उसको प्रूव करेगा मैथमेटिक्स को। हम प्रूव कैसे करते हैं कि एक उन्होंने वैक्टर क्यों माना भाई, किसकी हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ फेजर डायग्राम्स भी। तो फेजर ऐसी डायग्राम था जो किसी भी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता था उसके वेक्टर फॉर्म में, लेकिन फिजिक्स के अकॉर्डिंग, तो मैथ के अकॉर्डिंग डिफरेंशिएशन थी भी। फिजिक्स के अकॉर्डिंग क्या था? हम फेजर के अंदर चेक करते मोशन ऑफ एनी बॉडी भी, मोशन ऑफ एनी बॉडी। अब देखो भाई, फेजर डायग्राम बनता है ऐसे भी, ये लाइन दिखाते हैं, एक्चुअल में एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है जिनमें बॉडी घूमती है, ठीक है। एक एक्सिस ये, एक एक्सिस ये भी कर लोगे। कुछ एग्जांपल ले रहा हूँ मैं अभी, क्योंकि टॉपिक हमको इसके अकॉर्डिंग करना है। अब ये बोल दूंगी डायग्राम ये है भाई, एक कोई भी पॉइंट आया, इसका मतलब ये नहीं है क्लास, इसका मतलब ये है कि इट रोटेट अबाउट दिस एक्सिस भी, तो इसका कौन फॉर्म बनता है? एक को पेन देना मेरे को, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन अभी ये वाली, और ये आंसर आ गया किसी का भी, ये आंसर ये नहीं है क्लास, ये आंसर है इसका कंप्लीट, इट रोटेट अबाउट इट्स एक्सिस में, एक डायरेक्शन के साथ भी, चाहे वो वेक्टर हो चाहे सर्कल हो, डायरेक्शन जरूर आएगी उसकी में। समझ में आ रहा है? तो एक आपका अकॉर्डिंग डायग्राम ये नहीं है क्लास, डायग्राम क्या है जो दिखाते हैं बुक वाले, दिखाते हैं कौन बन रहा है एक एक्चुअल में। समझ में आ रहा है क्या बन रहा है कि कौन? हर पॉइंट पर एरिया अलग है, आपको पता है एरिया वेक्टर यूज किया जाता है डायरेक्शन निकालने के लिए, उसकी डायरेक्शन कैसी होती है ऐसी मिलेगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कर लोगे तो आपको इसी टर्म में दिखाना है कि ज़्यादा हमको डीप बताना नहीं है चीज़ों के बारे में, क्योंकि इतना है नहीं आपके लेवल में। सिंपल बताइएगा ऐसा डायग्राम बनाना आपको जिसमें हम किसी भी क्वांटिटी को क्या दिखा सकें, वेक्टर फॉर्म में दिखा सकें, ठीक है? कर लोगे। अब देखिए मेरे को पहले तो दिखाना ईएमएफ को भी आपको वेक्टर फॉर्म में, दिस डायग्राम गिव ईएमएफ, क्या देगा ईएमएफ, ये अपनी एक्सिस में कितना घूम रहा है, ओमेगा टी पे घूम रहा है अभी, लिखा होता ना E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, ये तो बता देगा आपको कहाँ पे घूम रहा है, ये ओमेगा टी एंगल पे घूम रहा है। यस और नो? कर लोगे। अब हमने करंट को निकाल लिया, करंट कैसा था, आई नॉट साइन ओमेगा टी, यानी करंट उसी एंगल पे घूम रहा है भाई, ये तो करंट की लाइन भी इसी में मिलेगी कहीं ना कहीं। ये किसकी लाइन है, ई की, किसकी लाइन है ये, ई की, और ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है, इट इज ई नॉट, यस आर नो? तो करंट कहाँ पे होगा, करंट डायरेक्शन भी सेम होगी वैसे, ये करंट को दिखाएगा और ये क्या होगी करंट की मैक्सिमम लाइन, इट गी रिप्रेजेंट द फेजर डायग्राम्स पे, बस हो गया। एक्चुअल में डायग्राम ऐसा बनना है, ये इसका ई का कैसे बनना है ऐसे, कर लोगे, ये आई का कैसे बनना है ऐसे, हम इतना देखो बनाते नहीं, हम लोग हम ये बनाते हैं, कर लोगे। फेजर डायग्राम ऐसा डायग्राम है जो किसी भी स्केलर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेगा वेक्टर फॉर्म में भी, आपको पता है करंट और ये दोनों ही वेक्टर स्केलर क्वांटिटी हैं, दोनों ही, कर लोगे। करंट भी स्केलर है और ईएमएफ भी स्केलर है, पोटेंशियल डिफरेंस भी स्केलर होता है, दिस इज द फेजर डायग्राम, हो गया। कुछ नहीं है बस ये डायग्राम बनाना आपको, दो डायग्राम कुछ लिखना है, टॉपिक कंप्लीट भी, अभी टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ, एक लाइन और बस थी इसकी, हो गया इतना भी। yes, कर लोगे। yes, अब हमें ये नौटंकी किया क्यों भाई, इतना कुछ कोई तो रीजन होगा,
क्या आप बता सकते हो कि रेजिस्टेंस क्या रोल प्ले कर रहा है? व्हाट इज द फार्मूला ऑफ रेजिस्टेंस? पीक वैल्यू का कितना आता? ई नोट बाई आर, आर था इज इक्वल टू आई नोट। इसको इक्वेशन फर्स्ट मानोगे जो मैंने बनाई थी, वेयर लिखा था मैंने आपको, वेयर आई नोट इज इक्वल टू ई नोट बाई आर। लिखिए अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या है? ओम्स लॉ है करंट इज इक्वल टू किसके भाई, पोटेंशियल डिफरेंस बटे रेजिस्टेंस भी, यस आर नो? यही था ना, पोटेंशियल डिफरेंस बाई रेजिस्टेंस। अगर आपको याद हो ओम्स लॉ एसी में किया गया था कि डीसी में किया गया था भाई? डीसी में किया गया था, उसमें बैटरी यूज की गई थी, एक्सपेरिमेंट डेमोन्स्ट्रेशन किया हमने जब करवाया था ना आपको, उसमें बैटरी यूज किया गया था भाई, यस सर नो? यानी जो हमने बैटरी यूज किया उसका आंसर भी सेम आया भाई, पोटेंशियल बटे रेजिस्टेंस। मैंने एसी यूज किया उसका भी आंसर सेम आया, पोटेंशियल बटे रेजिस्टेंस। यानी रेजिस्टेंस प्ले द सेम रोल फॉर एसी एंड डीसी भी। क्या रोल है उसका? चार्ज को अपोज करना भाई, समझ में आ रहा है? क्या रोल है उसका? चार्ज को अपोज करना, फ्लो ऑफ चार्ज को अपोज करना। तो लिख लीजिए, लिखो रेजिस्टेंस प्ले सेम रोल फॉर एसी एंड डीसी भी।